बागली थाना अंतर्गत ग्राम छतरपुरा में एक किसान ने खेत पर स्थित कुएं के पास 11 मार्च 2020 को निमिचंद पिता शंकरलाल पाटीदार उम्र 45 वर्ष ग्राम छतरपुरा का शव मिला था। मृतक का सिर पत्थर से कुचला हुआ हालत में मिला हुआ था। बागली पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। 11 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर था। सोमवार को अचानक पुलिस थाना बागली पर प्रेस वार्ता कर अंधे हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक निमिचंद पाटीदार के करीब दोस्त संतोष नायक जाति बंजारा उम्र 25 साल निवासी नीमगोया द्वारा ही पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की गई थी। मुखबिर की सूचना पर बागली थाना प्रभारी सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच करते हुए मोबाइल कॉल डिटेल और टावर लोकेशन के आधार पर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी संतोष नायक पुलिस की गिरफ्त में आया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। वहाँ के खेत के पास अपने निमिचंद पाटीदार की एक सूचना आई थी, लाश मिली थी सुबह 10 बजे। तो इसको जब मर्डर दर्ज करके जब इसकी विवेचना शुरू की गई, मुखबिरों से जानकारी ली गई, तो इसका जो दोस्त था संतोष नायक बंजारा समाज का नीमगोया गाँव का, तो उसने जब उससे पूरे हमने तकनीकी आधार पे और सब साक्ष्य जुटा के बात वो की, तो उसने कबूल किया था कि उसके पास जो पैसे थे मृतक के पास 52,000 रुपये कुछ उसके गेहूं और से रखे थे, घर वालों ने बताया था, तो उससे वो पैसे से 40,000 रुपये में मई माह में मोटरसाइकिल खरीदा था। तो इससे ये पूरा प्रकरण खुला और इसने हत्या करना स्वीकार किया, पत्थर पटक के हत्या की थी, और इसको हमने पूरा साक्ष्य संग्रहित कर कल गिरफ्तार कर लिया है और आज माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।